बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको CS408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की जो असाइनमेंट नंबर 2 है स्प्रिंग 2022 की, उसके सलूशन के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने इसका सलूशन जो है वो कैसे तैयार करना है, इसको आपने कैसे राइट करना है, इसका सलूशन जो है वो आप लोगों ने कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स जो हैं वो क्या होती हैं। तो इसके लिए आप अपनी हैंड आउट से दे सकते हैं या फिर मैं आपको दिखा देता हूं कि हाई फिडेलिटी और लो फिडेलिटी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले आप जान लेते हैं कि उन्होंने बताया हुआ कि आपकी इस हैंड आउट्स में, सॉरी असाइनमेंट के अंदर ही उन्होंने बताया हुआ कि हाई फिडेलिटी और लो फिडेलिटी जो है वो क्या चीज़ होती है। अ लो फिडेलिटी इज़ वन दैट डज नॉट लुक वेरी मच लाइक द फाइनल प्रोडक्ट। एक वो चीज़ होती है जो कि फाइनल, यानी कि अभी तक अंडर प्रोसेस हो, यानी उस पर काम और हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं, लो फिडेलिटी बोलते हैं। जबकि हाई फिडेलिटी वो होती है जो कि तकरीबन जो है वो फाइनल मरले पे पहुंच चुकी होती है, तकरीबन वो क्या होगी, समझें कि वो एक कंप्लीट हो चुकी होती है। तो इस असाइनमेंट में भी आपको क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस, ये वाली जो इमेज है, इमेज टू हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप। आपके पास लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप की एक इमेज दी गई है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको हाई फिडेलिटी, फॉर दिस पर्पज़ यू नीड टू रीमेक दिस इमेज, इसके लिए आपने क्या करना है, किस इमेज को दोबारा बनाना है, अगेन विद द हेल्प ऑफ फिगमा टूल। आप फिगमा यूज़ कर लें, फोटोशॉप यूज़ कर लें, और एक और का जो आपके पास अडोब इलस्ट्रेटर है वो यूज़ कर लें, कोई भी। आपने सिर्फ इसको आपने क्या करना है, इमेज को रीमेक बनाना, यानी कि इसको दोबारा अच्छी तरह से इसको बता कैसे बनाना है वो आपको दिखाऊंगा मैं, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस असाइनमेंट, जो कि आप लोगों ने फिगमा का अकाउंट बनाया था आप लोगों ने प्रीवियस असाइनमेंट के अंदर, जो आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट थी। तो ये इमेज आपने क्या करना है, ये एक मेरे पास प्रीवियस असाइनमेंट है, ये प्रीवियस तो इस सेमेस्टर की नहीं बल्कि उससे प्रीवियस सेमेस्टर की फॉल 2021 की है। तो सेम असाइनमेंट दी गई थी आप लोगों को, जो कि आप लोगों ने क्या करना था, उसको कन्वर्ट करना था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इमेज आपके पास प्रीवियस सेमेस्टर में दी गई थी, आपको बोला गया था कि आप लोगों ने क्या करना है। ये देखें, उन्होंने इसमें बिल्कुल बता दिया कि फॉर दिस पर्पज़ यू नीड टू रीमेक दिस इमेज अगेन विद द हेल्प ऑफ MS पेंट, MS वीडियो और एनी अदर टूल, यानी कि अपनी मर्जी से आप कोई भी टूल जाए वो यू। तो जहाँ तक क्वेश्चन था, नीचे उन्होंने ये जो है ना, ये सोल्यूशन था वीडियो की तरफ, ये माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बनाई है ये। तो अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा आप उन लोगों ने इस इमेज को कैसे रीमेक करना, यानी कि उसको आपने डिज़ाइन करना, उसको आपने एक स्टाइलिश सी इमेज आपने बनानी है। तो सेम इसी तरह आप लोगों के पास किधर गया, ये वाली इमेज दी गई है, और आप लोगों ने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, रीमेक यानी इसको डिज़ाइन करना है एक अच्छी तरह से। इसका साइज़ आप देख सकते हैं, यहाँ से आपने इसको कॉपी पेस्ट करके फ़ोटोशॉप में ओपन कर लें और इस साइज़ की एक नई इमेज बना लें, या फिर अगर आपको बाकी एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि इसको आपने बना। तो मैंने इसको कैसे बनाया कि मैंने इसको फोटोशॉप में इसका साइज़ लिया था, और लेने के बाद मैंने क्या किया था कि सबसे ऊपर आपने वाकई क्या करना है कि आपने जो अपनी आईडी है ना वो ऊपर लाजमी देनी है, क्योंकि उन्होंने आपको बता दिया हुआ है कि नोट एट द टॉप ऑफ दिस इमेज देयर इज़ अ टेक्स्ट फील्ड टू राइट योर स्टूडेंट आईडी, सो राइट योर वीजू स्टूडेंट आईडी इन दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, अदरवाइज योर डिज़ाइन इमेज विल बी मार्क्ड जीरो। अगर आपकी आईडी जो है वो रॉन्ग होगी, आपने किसी और की आईडी या आईडी लिखी ना, और या फिर किसी और की आईडी वाली इमेज उठा के सबमिट करवा दी, तो आप लोगों को ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स जो है 2/20 जो हैं वो आपको ज़ाया हो जाएंगे, और आप इसमें आप ईज़िली 20 मार्क्स जो हैं वो 20 ना भी मिले, आपको 15 अबव मार्क्स जो हैं वो ईज़िली आपको मिल जाएंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत इमेज जो जिस तरह मैंने बनाई है इससे मिलती जुलती अगर आप लोगों ने बनाई। यहाँ पर सब्जेक्ट आया था, तो मैंने इधर क्या किया कि यहाँ पे सब्जेक्ट नेम लिख लिया, और उसके बाद क्या आया, यहाँ पे टाइम आया हुआ है, और टाइम के नीचे क्या लिखा हुआ, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम लिखा, तो मैंने पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम लिख दिया। और यहाँ पे एक दो चीज़ें मिस हो गई हैं, वो मैं बाद में ऐड कर लूँगा, तो आप लोगों ने वो ऐड जो है वो लाजमी कर लेनी है, ताकि आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो गलत ना हो। ये वाला एक प्लस का साइन और ये 3 डॉटर जो हैं
वर्टिकल थ्री डॉट जो है इनको आप लोगों ने ऐड जो है वो लाजमी कर लें। उसके बाद क्या हमारे पास था, ये लंदन लिखा हुआ है, लंदन के बाद फोर आवर्स बिहाइंड लिखा हुआ है, ये मैंने ऐड किया। उसके बाद ये टाइम आप लोगों ने यहाँ से टाइम जो है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो टाइम लिखना चाहें लिख सकते हैं, ये एडिटेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ये इमेज फाइल जो है वो ले सकते हैं, या अपनी आईडी का नेम जो है नीचे भी आप जो क्या कैसे 928 ये भी आप एडिटेबल है, यहाँ पे आप अपना नेम या टाइम जो है वो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे इस्लामाबाद लिखा हुआ तो मैंने इस्लामाबाद लिख दिया, नीचे लोकल टाइम जोन लिखा हुआ, साथ में ये डिग्री वगैरह आ रहा है, तो ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। ये मैं एक मैंने रफली सी इमेज बनाई है इंशाल्लाह आपको जो है समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से ये चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएँ। और एंड पे आपके पास लिखा हुआ है अलार्म वुड क्लॉक स्टॉप वॉच टाइमर, तो ये मैंने ऐड किया इसमें फोटोशॉप के अंदर, अलार्म वुड क्लॉक स्टॉप वॉच टाइमर। तो इस तरह आपके अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, इमेज जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप अपनी तरह से। जिस तरह इन्होंने एक बहुत ही प्यारी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई पिछली असाइनमेंट में, हालांकि ये मेरे पास ये मैंने भी बनाई थी लेकिन अच्छी नहीं बनाई थी, इस तरह इन्होंने भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन करके इसमें शो करवाया है। तो आप लोग अगर फोटोशॉप के मास्टर हैं तो आप लोग ये अच्छी सी इमेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और 20x20 मार्क्स जो है वो ईज़िली इसमें से गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सलूशन जो है वो समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को सलूशन जो है वो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।